अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का चाइना का टीवी है। इसमें फॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो जो इसकी स्क्रीन है उसके ऊपर इसकी लाइनें ही लाइनें नज़र आ रही हैं। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट मुकम्मल करना है कि इसमें इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। तो पहले मैं आपको ये इसका जो फॉल्ट है वो शो करा देता हूँ कि किस तरह का ये फॉल्ट शो करा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी स्क्रीन के ऊपर सभी लाइने ही लाइने हैं, ब्लू भी है और ब्लू के साथ ये लाइने लाइने आ रही हैं। तो ये फॉल्ट आज हमने इस टीवी का निकालना है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं। तो इस फॉल्ट के लिए सबसे पहले तो हम इसके जो सभी वोल्टेज हैं वो चेक करेंगे। अगर हमारे जो टीवी है उसमें हो सकता है कहीं से कोई वोल्टेज का तो मसला नहीं है। क्या सोचे हैं मुदस्सर? ये जी 110-11 वोल्टेज ठीक है। ये इसके वर्टिकल आईसी के जी, ये इसका 22 वोल्टेज ठीक आ रहा है, ये इसके 11 भी ठीक हैं और ये इसके 15 ऑडियो के भी ठीक हैं। और उसके बाद ये जो फॉल्ट हमारा आ जाता है ये इसके वर्टिकल आईसी में से आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं वर्टिकल आईसी के भी वोल्टेज बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जो फॉल्ट अक्सर आ जाता है जब हमारे वर्टिकल आईसी और जंगल आईसी के इन दोनों में से किसी आईसी के ऊपर कार्बन बन जाए तो फिर ये फॉल्ट आ जाता है। ठीक है जी, जो हमारा ये जंगल आईसी ये बिल्कुल फ्रेश है, इसके ऊपर कोई कार्बन वगैरह नहीं है। और जो हमारा वर्टिकल आईसी 78040 है तो ये आप देख सकते हैं ये उसमें फॉल्ट है ये उसके। तो इसको अब हम ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो इसके कार्बन है ये इसके ऊपर किस तरह का है। तो अब हम इसका ये आईसी को ओपन करेंगे और आईसी को चेंज कर देंगे ताकि ये आपस में दोबारा इसको ये इस तरह का फॉल्ट ना हो। और इस फॉल्ट के ये जो फॉल्ट होता है आईसी तो ठीक होता है, आईसी को मसला नहीं होता। और अगर आप कार्बन साफ़ करके भी लगा देंगे तो आपका आईसी तो चल जाएगा पर दोबारा कार्बन उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने आईसी को चेंज कर देना है। आईसी को मैंने ओपन कर दिया और अब हम इसकी जगह पर आईसी और लगाएंगे। आईसी को मैंने ये आप देख सकते लगा दिया जी, ये आईसी मैंने लगा दिया। तो अब मैं आपको इसकी जो स्क्रीन है वो चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते टीवी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी स्क्रीन में जो पहले लहरें आ रही थी अब वो ये नहीं है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।